हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज हम बात करेंगे ईशान उदय स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ, कई बच्चों का कहना है सर काफी सारी स्कीम है, छोटी छोटी स्कीम, उनका पैसा मिलना स्टार्ट हो रहा है, स्टेटस बदल रहा है, लेकिन हमारा स्टेटस क्यों नहीं बदल रहा है? हमने 2022 से अप्लाई किया है, हम रिन्यूअल छात्र हैं। सारी जानकारी आप देने वाला हूँ, तो वीडियो कम्प्लीट देखना। कई बच्चों का कमेंट्स आया था और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, कई बच्चों का जो वेरिफिकेशन है इस लेवल में है, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड है मिनिस्ट्री। अगर आपका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड मिनिस्ट्री नहीं हुआ है अभी तक, तो आपकी अभी भी लास्ट डेट है 15 फरवरी 2023, तब तक आपके अपने फॉर्म को वेरीफाई करवा लेना है। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखा है, आपको वेरीफाई कैसे करवाए, कैसे नंबर उनसे फाइंड करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आपको दे दूंगा, आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप उनसे कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए 15 फरवरी 2023 तक फॉर्म वेरीफाई करना है। अब उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई मिनिस्ट्री हो चुका है, मैं फ्रेश और रिन्यूअल दोनों क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों का हिस्ट्री वेरीफाई हो चुका है, मिनिस्ट्री वेरीफाई हो चुका है, आधार वेरीफाई, अगर आपने आधार कार्ड दिया है तो आपका वेरीफाई हो गया होगा, यस हो गया होगा। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है तो ये एप्लीकेशन डुप्लीकेट सिस्टम आपका चेक किया जाएगा, उसके बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद आपका सेंड टू पीएमएस यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे अदर स्कीम में हमने देखने को मिला था। लेकिन रिन्यूअल अगर क्राइटेरिया है आपका, तो रिन्यूअल वाले में क्या होता है कि मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन के बाद आपका ये दो सिस्टम जो होते हैं, ये दो सिस्टम हटा दिया जाता है, डायरेक्ट आपका सेंड टू पीएमएस यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब डायरेक्ट सेंड टू पीएमएस होने के फायदे ये कि जो ईशान उदय स्कॉलरशिप एक बड़ी स्कीम है, जैसे आपको पता है ईशान उदय स्कॉलरशिप बड़ी स्कीम है, इसमें आपको पैसा जो है अच्छा अमाउंट यहाँ पे दिया जाए। 100 पर मंथ फॉर जनरल डिग्री कोर्स आपको मिलेगा, 7800 पर मंथ फॉर टेक्निकल मेडिकल प्रोफेशनल पैरामेडिकल कोर्स। अगर आप इन कोर्स से जुड़े हुए हैं तो आपको 7800 मिलेगा पर मंथ और 5400 पर मंथ। अभी पर मंथ का मतलब है कि आपको हर महीने नहीं मिलेगा, ये एक साथ 10 महीने का कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब है कि नॉर्मल डिग्री कोर्स को 5400 मिलेगा और प्रोफेशनल डिग्री कोर्स को 7800 की स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, ये लास्ट ईयर भी देखने को मिला था, लेकिन लास्ट ईयर जो अमाउंट था काफी ज्यादा डिले देखने को मिला था। ये मान के चलिए कि बच्चों का पूरा सेशन बीत गया था, एग्जाम सब कंप्लीट हो गए थे, तो उसके बाद सबसे लास्ट में ईशान उदय स्कॉलरशिप भाइयों का पेमेंट किया गया था। क्या इस बार ऐसा देखने को मिलेगा? तो देखो, इसका हम कोई कह नहीं सकते कि इस बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आपको लास्ट, अगर आपको मैं बताऊं 2021-22 का जो पैसा है, अगर मैं बात करूं 2021-22 का जो पैसा है वो आपको कब मिला था, शायद सितंबर के या अक्टूबर के मंथ में आपको पैसा मिला था, सितंबर या अक्टूबर मंथ में आपको पैसा मिला था। उसके बाद फिर आपने उस फॉर्म को रिन्यूअल किया। अब यही चांस है कि रिन्यूअल वालों में आपकी कोई मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होती है, जबकि फ्रेश वालों का मेरिट लिस्ट बनता है। तो चांस ये कि आपका मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होता है, तो ये हो के आपका थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा जल्दी किया जाए, हो सकता है आपका, ये मान लीजिए अभी तो मैं आपको कह नहीं सकता कि आपका अगले महीने पैसा मिलना स्टार्ट होगा, लेकिन ये कि आपका थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि आपकी जो बड़ी स्कीम है, और बड़ी स्कीम में क्या होता है कि थोड़ा सा फंड आने में, थोड़ा सा रिलीज करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, और यूजीसी में अगर बात करूं, यूजीसी का पास पहले ही बहुत कम फंड रहता है, क्योंकि पहले बहुत सारे केसेस आपने देख लिए यूजीसी के पास, क्योंकि फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, वगैरह वगैरह प्रॉब्लम। ठीक है, तो कहीं ना कि रिन्यूअल अगर कैंडिडेट है तो आपको कम से कम मार्च तक तो एक्सपेक्टेड आपको वेट करना ही है। अगर रिन्यूअल कैंडिडेट है तो आपको मार्च तक कम से कम वेट करना है। अगर आप फ्रेश स्कॉलरशिप है, इस बार 2022 से हमने फॉर्म भरा है, तो फ्रेश स्कॉलरशिप थोड़ा क्राइटेरिया में समझ देता हूं। अगर फ्रेश यूजीसी विल अवार्डेड 10,000 स्टूडेंट, ठीक है, 10,000 स्टूडेंट को पर ईयर यूजीसी अवार्ड करती, मतलब स्कॉलरशिप देती है। ठीक है, ये साफ साफ उनकी गाइडलाइंस में लिखा गया है। तो उसका जो चयन होता है ना, मेरिट बेस होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी आपका जितना भी स्कीम है, अगर मैं दिखाता हूं यहाँ पे, जैसे अभी आपका मेरिट लिस्ट नो शो कर रहा होगा, डुप्लीकेट सिस्टम नो शो कर रहा होगा। ठीक है, ये आपका सब वेरिफिकेशन चेक किया जाता है। चेक करने के बाद कुछ प्रकार के स्टेटस आपका होना चाहिए। पिछले साल के स्टेटस दिखा रहा हूं मैं आपको एक वेरिफिकेशन समझाने के लिए। इस बच्चे का देख सकते हैं, और इस बच्चे का डुप्लीकेट बाय सिस्टम यहाँ पे नो दिखा रहा है, और मेरिट लिस्ट यहाँ पे यस दिखा रहा है, और एनएसपी टू फिगर्स नो दिखा रहा है। ठीक है, मतलब आपका कुछ मिला के इस प्रकार स्टेटस होना चाहिए। अगर आपके इस प्रकार स्टेटस रहेगा तो आपको पैसा मिलने में आसान रहेगा, आपका स्टेटस में कोई गड़बड़ी नहीं है, और आपको पैसा टाइम टू टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेश स्कॉलरशिप के स्टेटस में आपको दिखा दिया कि एग्जांपल इस प्रकार के स्टेटस आपका होना चाहिए। कहीं पे अगर डुप्लीकेट सिस्टम गलती से भी अगर आपका यस आ गया, आपने कोई एनएसपी दूसरा फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ है, तो उसको विड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि जब सिस्टम आपका चेक करेगा तो कहीं ना कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस आते ही तो आपका फिर खत्म। तो ये अब ध्यान रखिएगा। और बात करता हूं जो फ्रेश स्कॉलरशिप का जो पेमेंट है, मान लीजिए उनकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अब मेरिट लिस्ट का जो समय मैंने आपको हमेशा ये बता रखा है, ऑल स्कीम वाइज मैंने बता रखा है,
कि थोड़ा बहुत इससे डिलेड हो सकता है, क्योंकि 15 फरवरी 2023 तक आपके वेरिफिकेशन ही चलेंगे, ठीक है। तो ये चांस है कि आपकी मार्च का जो स्टार्टिंग रहेगा उसमें मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाए। सबसे पहले छोटी छोटी स्कीम का मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। अब बच्चों का मन सवाल ये होता है कि सर मेरिट लिस्ट तैयार करता कौन है? तो भैया मेरिट लिस्ट जो तैयार है वो मिनिस्ट्री करती है, आपकी जो भी मिनिस्ट्री है, यूजीसी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री तैयार करती है। वो मिनिस्ट्री आपको देखती है परसेंटेज वगैरह, इनकम वगैरह, ठीक है, सब कुछ देख के करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद ही फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे होता रहता है। तो फ्रेश की तुलना की अगर बात करो, फ्रेश वालों का जो पैसा है कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा और वेट कीजिए, क्योंकि अभी रिन्यूअल वालों का पहले पैसा मिलेगा, उसके बाद फिर की मिनिस्ट्री से आप कॉन्टेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, उनसे चेयरमैन वगैरह उनसे कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। आप उनसे खुद पूछ सकते हैं सर मेरिट लिस्ट कब बनेगा, हमारा पैसा कब आएगा, सेंट्रीफ्यूज कब होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछने जाते आप क्या कर सकते हैं, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम में आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, देख लीजिए पीडीएफ है, पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने से फायदा होगा कि जैसे कोई भी अपडेट है, कोई बच्चा कॉल करके कॉल रिकॉर्डिंग कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है मेरिट लिस्ट रिलेटेड, कि मेरिट लिस्ट कब आएगा, सेंड टू पेपर्स कब होगा, चाहे फ्रेश का हो चाहे रिन्यूअल बंदा है, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई ना कोई बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, अंदर ही खबर आपको मिल सकती है, ठीक है। इसका अपडेट मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, चलिए मिलते।